डिपार्टमेंट है इन्हें दोनों की मैं एक गलती चेतावनी देना कि जिस तरीके असें हरासमेंट करा दे बेवकूफ बना दे दिन प्रतिदिन झूठे वायदे करते झूठे करार करते हैं सब कुछ जिहड़ा झूठ है यह असें बर्दाश्त नहीं करना है जिहड़ी अज स्ट्राइक जिहड़ी आई है इन्हें कुछ लभ्या ही नहीं है लेकिन आने वाला वक्त जिहड़ा आने वाला टाइम जिहड़ा अगर साडे कन्ने इयां हरासमेंट करदे रहे यह स्ट्राइक दिन प्रतिदिन जिहड़ी होर तेज हुंदी जाग अज तीन घंटे जम्मू साढ़े तीन घंटे पुल जाम होया ऐसा नहीं होवे कि जम्मू जेडे बैठे देने लीडर लोग जेडे साडे उपर अंग्रेजी शासन चला दे जेड़ा ना उथे दफ्तरें बिच ही होग इन्हां जिन्ना भी अत्याचार करा दे सारा इंदा गै कसूर है इन्हें अज नहीं कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी साने इये दे झूठे वायदे किए और इयो ने सीखी लिया बीजेपी गवर्नमेंट ने भी इंदे कोला सीखी लिया पर के डिमांड की है साडी डिमांड क्लियर है महाराज सारे इन्ने चिर दा असीं बोलिया ने कि असीं रेगुलर किया जा एसआरओ छोड़ लागू करना और असीं परमानेंट करना और साडी कोई डिमांड नहीं है अज ये लागू करना अज जिहड़ी स्ट्राइक जिहड़ी खत्म होई जांदी है बकाया वेतन थोड़ा किन्ने दे 72 महीने का बकाया वेतन हमारा 6 साल की पेंडी बेसिस है किन्ने दिंदे हैं और इन्हें तनखा नहीं दी है ईद किड्डा वड्डा त्यौहार है ईद और शर्म होना चाहिए इन्हें लोगों के ईद उपर इनकी तनखा गरीबे लोगों की जिन्हें एक पैसे पैसे की मजबूरी है जिड़े इत अज कठुआ इत पुजे किस तरीके किस वजह कन्ने पुजे कुछ लोग जिंदे कोल कराया भी नहीं है बड़ी मुश्किल कन्ने कशामदा करिए और बड़ा बड़ा शुक्रिया करने उस मैडोर आले दा जिन्ना असीं कि घट कोला घट पैसे बिच असीं कि इत्थे पुजाने की कोशिश की हमारी सबसे पहली डिमांड एक ही है और तो कोई हमारी डिमांड नहीं है सारो तोड़ के साथ हमें परमानेंट किया जाए तो सरकार हमारे साथ हर बात दुखा कर रही है हमारे साथ कई मीटिंगें कर ली है पर उसके बावजूद भी ग्राउंड पर कुछ नहीं आ रहा हर बार झूठे वादे झूठे आश्वासन दिए जाते हैं हमारे लोग 2.5 सालों के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं इनका डिपार्टमेंट चला रहे हैं उनके बावजूद सरकार इनके ऊपर कोई संज्ञान लेने को मजबूर नहीं है आज तक हमारे कई वर्कर जो है सुसाइड कर चुके हैं उनको आज तक सरकार ने कुछ नहीं दिया हमारे कई डेली वेजर बेचारे रिटायर हो गए हैं उनको भी सरकार ने कच्चे रिटायर कर दिया ना उनको कुछ दिया 70 महीने की इनकी पेंडिंग वेजी पड़ी हुई है वो भी आज तक ना रिलीज हुई है हमारी सरकार से यही डिमांड है जो हमारे लोग सुसाइड कर गए हैं उनके घर वालों को एक नौकरी दी जाए जो हमारे डेली वेजर रिटायर हो गए हैं उनको पर हेड 10-10 लाख रुपया दिया जाए और एसआरओ चौंट के तहत हमें परमानेंट किया जाए।